कहते हैं राजाओं ने बड़ा शोषण किया, इतना प्रचार किया गया राजाओं के खिलाफ। मैं एक बात पूछता हूँ, इन राजाओं का शोषण करने वाला बनाने वाला, इस डेमोक्रेसी के आने के बाद एक भी रूलिंग प्रिंस किसी चुनाव में हारा क्या? हारा नहीं, भारी बहुमत से जीते। बिहार का कामख्या नारायण सिंह, उसके परिवार के सात सात आठ आठ आदमी एमपी थे एक साथ। बिहार में नारे लगते थे वीर कामख्या जिंदाबाद, वीर कामख्या जिंदाबाद। देश आजाद हुआ उससे पहले 43 में देश आजाद हुआ, उसने 44 में किसानों का लगान माफ कर दिया। तो जनता में के प्रति उनका लगाव था, इसलिए जनता में उनके प्रति लगाव था। आज के ये नेता गद्दी से हट जाए उसके बाद कुत्ता भी इनकी तरफ नहीं जानता, और हमारे शासक ये राजा महाराजाओं के राज चले गए, उसके बाद भी जनता में जहां खड़े हो गए वहां उनकी जय जयकार हुई और भारी बहुमत से जीते। उसका कारण केवल ये था कि उनके हृदय में जनता के प्रति लगाव था, आत्मीयता थी। इस आत्मीयता को जब तक हम समाज के प्रति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक समाज कल्याण की बातें करना बेमानी।